रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर वन का। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। यूनिफॉर्म डेंसिटी बात समझिए, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, हाँ कि ना, अप टू ए रेडियस आर, हाँ कि ना। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जेड है एंड तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी जेड होगा, हाँ कि ना, पर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, रेडियस आर है, हाँ कि ना। अब बताइए, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। लेट दिस इज द अर्ली मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ये सेंटर है जहां पे न्यूक्लियस है, सेंटर में, हाँ कि ना, न्यूक्लियस पॉइंट न्यूक्लियस है जिसका चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई, हाँ कि ना, प्लस जेड ई। एंड उसके सराउंडिंग में क्या है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, है कि ना, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके सराउंडेड में, सराउंडिंग में है, तो ये कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर होगा, हाँ कि ना। आप ले लो नेगेटिव चार्जेस को कंसिडर कर लो, ठीक है, चारों तरफ ड्रॉ कर लो, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और तो ये मेरा हो गया अर्ली मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, जहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब बताइए, एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया, ऐसे ही तो नहीं दिया ना, ऐसे ही थोड़ी दिया, एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया। अब बताइए, जो पॉइंट न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा जेड ई है, तो ये पूरा जो बाकी जो नेगेटिव चार्ज उतना ही होगा, तो एज ए एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना, इक्वल टू जीरो। अब बताइए डेंसिटी क्यों दिया, यूनिफॉर्म डेंसिटी क्यों दिया। लेट द जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना वो रो है, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, तो जो डेंसिटी होता है क्या होता है, ना डेंसिटी ऑफ द चार्ज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, है कि ना, चार्ज बाई वॉल्यूम, है कि ना, वॉल्यूम यहां पे वॉल्यूम कितना, 4/3 πr³ होगा, है कि ना। अब बताइए, ये मैं अगर यहां पे चार्ज लूंगा, नेगेटिव चार्ज लूंगा कितना लूंगा, ना नेगेटिव चार्ज इक्वल टू रो इंटू वी होगा, हाँ कि ना, रो इंटू वी होगा, वी क्या है, ना रेडियस आर दिया है मेरे को, इसका रेडियस पूरा कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है, तो 4/3 πr³ होगा, तो ये है मेरा नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल नेगेटिव बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू जीरो होगा। आप बोलोगे सर आपको तो पता है कि जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, तो आप नेगेटिव चार्ज माइनस जेड ई क्यों नहीं लेते, ले लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को यहां पे डेंसिटी यूज नहीं होगा, डेंसिटी यूज करना जरूरी है, क्यों जरूरी है आप पता चलेगा, देखो तो मैंने यहां पे क्या किया, रो इंटू 4/3 πr³। अब बताइए टोटल नेगेटिव चार्ज मेरे को निकालना है, ठीक है ना, तो यहां पे बात समझिएगा, मेरे को डेंसिटी निकालना है, तो मेरा यहां पे जेड ई प्लस रो इंटू 4/3 πr³ इक्वल्स टू जीरो, हाँ कि ना। तो बताइए रो 4/3 πr³ इक्वल टू माइनस जेड ई, हाँ कि ना, माइनस जेड ई आ गया ना, वही आया ना भाई, वही आया ना, बट मेरे को डेंसिटी निकालना, तो दिस डेंसिटी क्या हो जाएगा, ना -3zE/4πr³, समझ रहे हो, हाँ कि ना भाई, क्लियर ना, इतना आया मेरा डेंसिटी -3zE/4πr³, ये डेंसिटी जो है मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस वॉल्यूम, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम। अब मुझे बोला क्या है, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से स्मॉल आर डिस्टेंस में मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट स्मॉल आर आउटसाइड न्यूक्लियस हो सकता है, इनसाइड न्यूक्लियस हो सकता है, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है, हाँ कि नहीं, आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, सरफेस हो सकता है। लेट मैंने क्या किया, आउटसाइड लिया,
लेट दिस इज द पॉइंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एम। अब बताइए मेरे को गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, हाँ कि ना? बिना गॉसियन सरफेस का मैं कहां पे यूज कर लूंगा? बिना गॉसियन सरफेस तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने यहां पे गॉसियन सरफेस लिया। सॉरी मैंने यहां पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। अब ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो एम है, अबाउट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू एम कितना है? पूरा जो एटम है वो पूरा का चार्ज होगा कि नहीं रे भाई? बात समझो, मेरे को गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। फिर गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू एम? व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू एम? ना भाई, जितना सारा नेगेटिव चार्ज है वो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एटम का जो चार्ज है वो सारा का सारा पास कर रहा है। एटम का क्या चार्ज? एटम एज ए होल क्या है? न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना? जीरो, हां कि ना रे? बात समझ रहे? तो यहां पे जो फ्लक्स आ जाएगा एम का क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर फ्लक्स एम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज कितना? जीरो। एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया है, जीरो होगा। तो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर द इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द एटम, आउटसाइड द एटम, देन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो। सरफेस में होने से क्या आएगा? सही, ये मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा, ये मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस? टोटल चार्ज इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना? जीरो। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में निकालू या तो आउटसाइड निकालू एटम का, टोटल फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस जीरो। क्यों? क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बचा मेरा इनसाइड वाला पॉइंट पे। मैं अगर आउटसाइड निकालूंगा जीरो आ रहा, सरफेस में निकालूंगा जीरो आ रहा, तो अभी मैं इनसाइड निकालूंगा। इनसाइड मैंने एक पॉइंट लिया तो मेरे को ये हटा देना, हाँ कि ना? आपको लिख लेना ये सारा चीजें, ठीक है ना? आपको लिख लेना है भाई, आपको लिख लेना। क्या लिखोगे ना? एज इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द एटम, देन द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द आउटसाइड पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एटम एज ए होल न्यूट्रल, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द पॉइंट आउटसाइड द एटम इज जीरो, ऑन द सरफेस इज ऑल्सो जीरो। अभी हमें इनसाइड वाला एक पॉइंट लेके करना है, इनसाइड वाला एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना? इनसाइड वाला एक पॉइंट लेके करते हैं। तो यहां पे मेरा नेगेटिव चार्जेस है, तो मैंने इनसाइड एक पॉइंट लिया, लेट मैं इनसाइड जो पॉइंट लिया वो मेरा लेट पी पॉइंट है, ठीक है? एम लिया था, एन लिया था, मेरा पी पॉइंट है, सॉरी लेट पी पॉइंट, ध्यान से, ठीक है? ये मैंने यहां पे लिया, पी पॉइंट पे लिया। तो मेरे को क्या करना है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो मैंने गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस लिया, यहां पे गॉसियन सरफेस लिया, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया, हाँ कि ना? अब मेरे को क्या करना है? ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज है देखना है। देखो, गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियस पूरा आ जा रहा है, बट सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अभी बताइए ये जो डिस्टेंस होगा आर, रेडियस है कि ना? ये जो डिस्टेंस होगा आर, अब ये डिस्टेंस के वजह से एक छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम, है कि ना? इस छोटा सा वॉल्यूम में कितना नेगेटिव चार्ज है वो निकालेंगे हम। बात समझो, द टोटल चार्ज इफ द पॉइंट इज इनसाइड, आउटसाइड होने से जीरो, सरफेस में होने से जीरो, इफ द पॉइंट इज इनसाइड, इफ द पॉइंट इज इनसाइड द एटम। अब बताइए टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पास कर रहा है कि ना? द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस है ना,
द चार्ज ऑन पॉइंट न्यूक्लियस प्लस द पॉजिटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द गॉसियन सरफेस पी, है कि ना, इनसाइड द गॉसियन सरफेस पी। अब कितना नेगेटिव चार्ज पास कर रहा है वो हमें देखना है। कैसे निकालेंगे, हमें डेंसिटी इक्वल दिया है, डेंसिटी कांस्टेंट दिया है, सो वी विल यूज डेंसिटी वाला फॉर्मूला। तो अब बताइए ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस जेड डी माइनस, यहां पे लेट मैंने क्यू डैश लिया, कितना लिया, क्यू डैश लिया। अब हमें बोला गया कि इफ द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल टू छोटा चार्ज बाई छोटा वॉल्यूम, है कि ना। अब हमें जब पूरा होल एटम का बात करेंगे, ध्यान से समझिए, पूरा होल एटम का बात करेंगे तो होल एटम में चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है ना, क्यू हम लिए हैं, क्यू, है कि ना, नेगेटिव चार्ज क्यू लिए हैं, बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल टू छोटा चार्ज, छोटा नेगेटिव चार्ज बाई छोटा वॉल्यूम वी डैश, हमें ये चाहिए, है कि ना, हमें ये चाहिए। अब बताइए दिस क्यू बाई भी मतलब क्या है, डेंसिटी, है कि ना, डेंसिटी कॉन्स्टेंट है कि ना। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा ना, दस क्यू डैश इक्वल टू बी डैश इन टू रो, है कि ना, रो का वैल्यू आ चुका है, इसीलिए हम लाए थे रो का वैल्यू, है कि ना, इसीलिए तो हम लाए थे रो का वैल्यू। अब बताइए क्यू डैश क्या आ जाएगा ना, क्यू डैश इक्वल्स टू ना वी डैश कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, रो मतलब कितना है, 3ZE/4/3 पाई आर क्यूब, है कि ना। ऑलरेडी आप नेगेटिव यहां पे लिए हो तो जरूरी और नहीं है यहां से भी नेगेटिव लेना, ठीक है। तो ये मेरा 4/3 कटेगा, हाँ कि ना रे भाई, 4/3 पाई कटेगा, ये कटेगा, है कि ना। बचा कितना ना, 3ZE/r³/R³, यह आया नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बताइए ना, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ZE-3ZE³/r³, हाँ कि ना रे, ये मेरा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है, कौन सा गॉसियन सरफेस, जो पी को पास कर रहा है, जो पॉइंट इनसाइड द एटम है। इतना चार्ज अगर होगा, फ्लक्स कितना होगा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है कि ना रे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, अगर आप फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज एनक्लोज हुआ है कि ना, पूरा एटम में जो न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस का चार्ज एनक्लोज हुआ है, प्लस इसके अंदर इस वॉल्यूम में जो नेगेटिव चार्ज है वो सब एनक्लोज हुआ है। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है ना, हमें डेंसिटी यूनिफॉर्म दिया था, हम वो कंसेप्ट को यूज किए, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये क्यू बाई बी क्या है, डेंसिटी, जो कि जिसका वैल्यू हम लाए थे, हाँ कि ना, न्यूट्रल बोल के दिया था उससे लाए थे, तो हमें ये इसके अंदर कितना चार्ज है वो क्यू डैश पता चल गया। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू डाल दिए, अब ये वैल्यू डालने के बाद हमें पता चल गया टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज है एंड इतना सॉरी टोटल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का एंड इतना नेगेटिव चार्ज उस रेडियस के स्मॉल आर के अंदर है। अब हमें टोटल चार्ज पता चल गया, हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना, अभी हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना। चलिए निकालते हैं फ्लक्स में, कौन सा पार्ट को मिटाऊं बताइए, ये वाला पार्ट को मतलब मिटाते हैं, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे फ्लक्स, ठीक है। अब बताइए फ्लक्स कैसे निकाले भाई, ना टोटल चार्ज भाई, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस पी, ठीक है। तो फ्लक्स पी कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, है कि ना, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ZE-3ZE³ हाँ कि ना, बाय कैपिटल आर क्यूब, हाँ कि ना रे भाई। इतना कुछ डाउट है कि बताइए, इतना सही है ना, ना कुछ डाउट है बताइए, हाँ कि ना, क्लियर ना भाई, इतना मेरा आ गया, ठीक है। अब बताइए इतना मेरा चार्ज है उसके अंदर, अरे यार कहां पे, यहां पे, हाँ सही है, ठीक है। हाँ देखिए अब मेरा क्या आ जाएगा बताइए, यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, सॉरी सॉरी यार
देखो तो मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, तो दिस ये थोड़ा सा यहां पे थोड़ा चेक कर लो यार, ठीक है। देखो यहां पे क्या दिया है मेरे को, ये मेरा क्या भी डैश मतलब 4/3 πr³, ठीक है। यहां पे 3zd/4πr³ आएगा, समझ लो ना, यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा 3 ले लिया हूं, ठीक है ना। ये जो मेरा पूरा डेंसिटी में लिया हुआ है ना, क्यू बाई भी लिया हुआ है, मैं फिर से यहां पे वॉल्यूम यूज कर लिया था, ठीक है ना। तो ये 3 भी कट जाएगा, समझ, ये 3/4, ये 3/4π कट जाएगा, तो ये 3 नहीं रहेगा यहां पे, ठीक है, 3 नहीं रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा, समझ, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब मेरे को यहां पे 3 नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ठीक है ना, और प्रीवियस थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। अब बताइए ये मेरा क्या आ जाएगा, फ्लक्स दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि ना, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मेरा फ्लक्स पी आ गया, ठीक है ना। और ठीक है, सो देखो अब फ्लक्स पी आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा देखो आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, ऑब्वियसली ये देखो ज्यादा चार्ज पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव चार्ज कम है ना, तो ऑब्वियसली आउटवर्ड ही होगा, तो ऐसे आउटवर्ड होगा एंड एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही होगा, तो 0° एंगल आएगा। तो ई ए यहां पे ले लेंगे, तो ई पी इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ना दिस, तो जेड ई कमन ले लो, जेड ई यहां से कमन ले लो, ठीक है, तो 1 r³/R³/ε₀। अब एरिया इधर आ जाएगा तो 4π r² है कि ना, तो ये 4π ε₀ कर दो, ये आर स्क्वायर को इधर फेंक दो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड ऑफ द एटम, समझ लो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड ऑफ द एटम। तो आप इसको सॉल्व करते कर सकते हो, r³ LCM ले लो, R³ − r³, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो या तो इतना रख सकते हो। तो ये मेरा इनसाइड आएगा, आउटसाइड 0 आएगा, सरफेस में भी 0 आएगा, इतना याद रख लेना है मेरे को, ठीक है ना, आउटसाइड 0 आएगा एंड इनसाइड भी 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक 3 एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना।